नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा कर आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। यह सुन मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्ररथ नाम का अत्यंत सुंदर उपवन था, जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वह निष्फल रही। इसीलिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसकी ओर गए और उसे इस प्रकार गायन करता हुआ देख मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वह भूल गए। ऐसे ही रमण करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक आप यहीं ठहरो। तब मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गईं। मुझ पर कृपा कर आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरे कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता चवन मुनि के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर चवन मुनि ने पूछा, बेटा, यह क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर दिया। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है। कृपा कर कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तब चवन मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। यह सुन मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच की योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत पुण्यकारी है। जय श्री हरि विष्णु।